कोविड-19 महामारी के दौरान भाजपा की ओर से चलाए जा रहे सेवा ही संगठन अभियान के तहत जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए लगातार हाथ बढ़ाया जा रहा है। भाजपा महिला मोर्चा झज्जर की अध्यक्ष एवं नगर पार्षद डॉक्टर नीना सतपाल राठी की ओर से चलाए जा रहे वैदिक सेवा रसोई अभियान के तहत शनिवार को भी जरूरतमंद कोरोना संक्रमितों व उनके तीमारदारों के लिए पौष्टिक भोजन, फल, फ्रूट, जूस, आंवला मुरब्बा व अन्य सामान शहर के संजय अस्पताल व सेक्टर 15 में होम आइसोलेशन में रहने वालों तक भिजवाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने स्वयं उनके कार्यालय पर चल रही वैदिक सेवा रसोई में अचानक पहुंचकर यहां बनाए जा रहे भोजन की व्यवस्थाओं को परखा। उन्होंने स्वयं पहले भोजन चखा और उसके बाद नीना राठी की कार्यशैली को सराहा। डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने कहा कि संक्रमितों व जरूरतमंद लोगों को पौष्टिक भोजन समय पर उपलब्ध हो सके इसके लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। शनिवार को उन्होंने डॉक्टर संजय अस्पताल व सेक्टर 15 में भी पौष्टिक भोजन की थाली वे अन्य खाने पीने का सामान भेजा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने महिला मोर्चा की झज्जर अध्यक्ष एवं नगर पार्षद डॉक्टर नीना सतपाल राठी के सेवा भाव कार्य की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वे लगातार सेवा ही संगठन उद्देश्य को लेकर कोरोना महामारी के दौरान संक्रमितों व जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा से जुड़े सभी नेता व कार्यकर्ता राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना महामारी में लोगों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने कहा कि भाजपा सेवा ही परमोधर्म के अनुसार लोगों के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 7 साल पूरा होने को लेकर भाजपा की ओर से सेवा ही संगठन अभियान चलाया हुआ है। शनिवार को डॉक्टर संजय अस्पताल व सेक्टर 15 में भी पौष्टिक भोजन की थाली व अन्य खाने पीने का सामान भेजा गया। डॉक्टर संजय अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमितों के लिए भोजन दिए जाने के दौरान उनके साथ जिलाध्यक्ष विक्रम काद्यान, पूर्व विधायक नरेश कौशिक भी रहे। स्वयं सभी ने अपने हाथों से भोजन की थाली अस्पताल के संचालक डॉक्टर संजय सिंह व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना संक्रमितों के लिए भेंट की। इस दौरान पूर्व चेयरमैन करमबीर राठी, जिला महामंत्री अश्विनी शर्मा, शहरी मंडल अध्यक्ष कृष्ण चंद्र, मंडल अध्यक्ष सोनूमान, प्रदीप गुप्ता, कोषाध्यक्ष ब्रजेंद्र शर्मा, नरेश भारद्वाज, डॉक्टर गिरीश, रमेश राठी, रोहतास मलिक, राहुल मोंटी, सुदेश मलिक उपस्थित रहे। वैदिक सेवा रसोई आज 12वां दिन है और आज इसमें आप बहादुरगढ़ में मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, हरियाणा भर में हमारी 50 सेवा रसोई और नीना राठी जी जहाँ वैदिक सेवा रसोई चला रहे हैं, कभी रसोई की बहुत ही मैं कहूँगा कि एक सेवा भाव के साथ जितने भी इस समय पेशेंट हैं उनको किस तरह से हेल्दी खाना मिले, जो डॉक्टर ने सिखाया उस तरह से आप देख रहे थे, पनीर की दालें भी, प्रोटीन डाइट उनको जरूरत होती है, जैसी डाइट की जरूरत है। सारे सेवा रसोई के साथ जितने हमारे साथी जुड़े हैं, बहनें जुड़ी हैं, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जुड़ी हैं, उन सबको बधाई देता हूँ। जिस तरीके से सेवा रसोई का कार्य हरियाणा में चल रहा है, खास तौर से मैं बहादुरगढ़ की बात करूंगी कि वैदिक रसोई का, क्योंकि बहादुरगढ़ में हूँ, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी स्वयं आकर गए हैं। जिस तरीके से नीना की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है कि अगर एक सेवा रसोई नीना ने शुरू किए तो दूसरी बहन ने और तीसरे कार्यकर्ता ने और चौथे, आज 50 से ज़्यादा सेवा रसोई हरियाणा में कार्य कर रही हैं। भूखा न सोए कोई, यही सेवा रसोई का कार्य है। जो वैदिक रसोई नीना जी ने यहाँ से शुरू की है, बहुत ही सराहनीय कदम है। आज हमने उस खाने को खुद भी खाकर ये महसूस किया कि वाकई ही जिस तरीके का पौष्टिक खाद एक इंसान को चाहिए, वैसा खाना खुद घर में बनाकर, खुद की घर की चपातियाँ बनाकर उन तक पहुँचाई जा रही हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। और दो हमारी सेवा रसोईयाँ बहादुरगढ़ में चली हुई, एक वैदिक सेवा रसोई हमारी जो महिला मोर्चा की जिले की अध्यक्ष हैं श्रीमती नीना राठी जी, उनके नेतृत्व में, और मैं धन्यवाद करता हूँ उनका, नीना राठी जी का भी, कि पूरी मेहनत और लगन के साथ इन्होंने जिस तरह से मेहनत करी है वो काबिले तारीफ है। सेवा रसोई के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने पिछले 12-13 दिन से हमारे यहाँ 2-3 बार सप्लाई कर रखा है जी, और जिसमें जो खाने का क्वालिटी है, क्वालिटी मरीजों के बहुत काम आएगी, ऐसी क्वालिटी, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ती है मेनली प्रोटीन रिच डाइट एंड जिंक कैल्शियम रिच डाइट, और जो कि इसमें पूरी तरह से इस वैदिक रसोई के माध्यम से देने का
कार्य किया गया है। आपने देखा कि वैदिक सेवा रसोई के तहत आज पूरा भारतीय जनता पार्टी का झज्जर जिले के प्रत्येक कार्यकारिणी के सदस्य और तमाम पदाधिकारी पूर्व विधायक समेत यहां पर मौजूद हैं। एक बार चर्चा कर लेते हैं डॉक्टर नीना सतपाल राठी से भी। डॉक्टर साहब, 12वां दिन है लगातार मैं भी आपके साथ जुड़ा रहा हूँ और आज 12वां दिन है। आज स्वयं प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व चेयरमैन, तमाम लोग यहाँ संजय हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे इस पूरे संकल्प को आज 12वां दिन है? सबसे पहले तो आज हमारे बीच में माननीय अध्यक्ष जी शामिल रहे जी, विक्रम जी जो जिला अध्यक्ष हैं, आदरणीय नरेश जी, करमवीर जी हमारे बीच में शामिल रहे, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। जब शीर्ष नेता फील्ड में उतरकर कार्यकर्ताओं के बल को बढ़ाने के लिए जब एक प्रयास करते हैं तो कार्यक्षमता दोगुनी हो जाती है कार्यकर्ता की, और हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने लगातार इस कोविड दौर के दौरान ऐसा ही किया। चाहे ऑक्सीजन बैंक की बात हो, ब्लड कैंप्स की बात हो, या दवाइयों की बात हो, या कोविड किट की बात हो, इम्यूनिटी बूस्टर की बात हो, जिलाध्यक्ष जी ने आपको बड़े विस्तार से बताया है, अपने प्रयास की झड़ी लगाई है, अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी और उनके प्रयास का, सकारात्मक प्रयास का ही ये रिजल्ट है कि लगातार कोविड का ग्राफ गिर रहा है, मरीज ठीक होकर अपने घरों में लौट रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहा कि डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंडेड डाइट पेशेंट्स को मिले, इसलिए हमने वैदिक सेवा रसोई का लगातार 12वें दिन हमारे शीर्ष नेता इसमें शामिल रहे और कार्यकर्ताओं को जो दिशा निर्देश मिले हैं कि मरीज ठीक होने के बाद जब अपने घरों में लौट जाएं तो भी उनके साथ लगातार संपर्क जारी रखना है। ये दिखाता है कि परिवार का एक मुखिया जब परिवार में एक पिता की भूमिका निभाता है तो दूसरे सदस्य अपने आप अनुशासन में लगकर उस कार्य क्षमता को दोगुना करते हैं, और ये निरंतर प्रयास हमारे प्रदेश को दोबारा फिर से उसी जिंदगी की दौड़ में शामिल करेगा। ये हमारी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी है। आज हम डॉक्टर संजय जी के हॉस्पिटल में आए। डॉक्टर संजय के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगी, एक डॉक्टर होने के साथ एक सर्वश्रेष्ठ इंसान भी हैं जो लगातार अपनी जान की परवाह न करते हुए, मैं इनके माध्यम से मैं यहाँ आज इस हॉस्पिटल में खड़ी होकर सभी डॉक्टर्स को दिल से सलाम करती हूँ, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को जिन्होंने लगातार अपनी जान की परवाह ना करते हुए प्रदेश को जीवन की ओर लौटाने की दिशा दी है। बहुत धन्यवाद।